Hey guys, what's up? Welcome back to the new vlog और happy नवरात्रि. जय माता दी. नवरात्रि शुरू हो चुके हैं तो बस अब से नवरात्रि की धूमधाम चालू होने वाली है. कहीं भजन होंगे, कहीं कीर्तन होगा. नीचे हमारे यहाँ सोसाइटी में भी हम लोग पूजा करेंगे. दोनों ने रखा है फास्टिंग करी है और बस वही पूजा पाठ चालू है. तो आज के ब्लॉग में सिंपल सी पूजा दिखाएंगे, फर्स्ट डे क्या किया और जो भजन कीर्तन हुए वो दिखाएंगे और उसके बाद जो जो जैसे जैसे ब्लॉग्स आएंगे वो सब कुछ देखने को मिलते रहेंगे. तो आप भी अच्छे से सेलिब्रेट करिए नवरात्रि को और हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रि को. पहले गणपति बैठे, अभी नवरात्रि, नवरात्रि ख़त्म होंगे दशहरा के बाद दिवाली. तो पूरा जो मंथ है ना वो ऐसा ही बढ़िया वाला जाने वाला है. फेस्टिव मंथ है एक्चुअली और फेस्टिव मंथ के बाद फिर थोड़ी देर शांति रहेगी, न्यू ईयर वगैरह आएगा और उसके बाद फिर होली. तो ऐसा ही चलता ही रहता है. जो हमारा इंडिया है कितना डाइवर्सिफाई है, कितने सारे कल्चर हैं, कितनी सारे रिचुअल्स हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फूड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेजेस हैं, तो सब कुछ है. तो इसको हमें एक साथ इंजॉय करना चाहिए. तो बस हमेशा की तरह पहले मैंने वहाँ पे ओणम मनाया और यहाँ पे गणपति मनाया और नवरात्रि तो है, सभी मनाते हैं. तो अभी हम नवरात्रि बना रहे हैं. तो बस अभी मैं जा रही हूँ आज का सेकेंड डे का भोग बनाने. क्या बनाते हैं देखते हैं, तो ज़रूर शेयर करेंगे. तो शुरुआत होती है सुबह में मैंने इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए पकौड़ी बना दी थी. वो सॉस से आलू की पकौड़ी आराम से खा लेते हैं. और ये है नाइट की क्लिप. तो मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया, कोई प्रॉपर शूट हुआ नहीं मेरा आज. तो नाइट में मैंने इन लोगों के लिए ओट्स का चीला बना दिया था, तो वो आराम से ये लोग खा लेते हैं और साथ में ये टीवी देख रहे हैं. ये देखिए टीवी के साथ साथ भी कुछ खाते जा रहे हैं. तो बस ओट्स को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया और उसको ग्राइंड करके डाल के ये चीला बन के तैयार हो गया चटनी के साथ. आइए. अरे क्या नाम है दीदी? आइए. नहीं हम नहीं, आप लोग के लिए. अच्छा नहीं जाइए. मम्मा आइए. अंजलि अंजलि वो हम के लिए ना, ये सब लेकर आ गए ना. अरे कन्याओं को देखिए. ये है हमारा डे वन का प्रसाद जो रात में खाते हैं हम लोग, साबूदाने की खिचड़ी खीरे के साथ है. माता का कीर्तन आप लोगों को पसंद आया होगा. और ये है हमारा डे टू का प्रसाद, साबूदाने की नॉर्मल खिचड़ी विद आलू टमाटर की सब्जी एंड खीरा.